हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये चोली बनाएंगे। ये हमने 0 साइज के कान्हा जी के लिए चोली बनाई है। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि हर साइज़ की चोली अपलोड कर दूं, तो मैंने यहाँ पे आज 0 साइज़ की अपलोड की। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही सभी साइज़ के कान्हा जी की चोली की वीडियो अपलोड कर दूँ। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल की कोई भी पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी चोली। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर ये पिंक कलर में ऊन लिया है। ये बहुत पतला आता है, कढ़ाई करने के लिए आता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है ना, बहुत ही मोटा है। तो मैं डबल करके ये यूज़ करती हूँ। इसकी बुनाई बहुत परफेक्ट आती है और इसमें बाद में रेशे नहीं आते हैं। जैसे हमारे ऊन में रेशे आ जाते हैं तो इसमें रेशे नहीं आते हैं, इसलिए इसे यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आप कोई भी ऊन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही ऊन यूज़ करें, आपके पास जो भी ऊन हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 9 नंबर की कुर्सिया हुक का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने चेन बनानी है। ये देखिए, ऐसे ऊन के ऊपर क्रोशिए को रखेंगे और ये पीछे से लगा के निकाल लिया और फिर हमने इसे ऐसे घुमाया और ये किया। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसे करके नॉट लगाएंगे और लूप बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक लूप बना ली। अब इसमें से हम चेन बनाएंगे, तो चेन बनाना बहुत ईजी है। ये ऐसे करके निकाला, बन गई। हमने 2 चेन बनाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 चेन हमने बनाई। अब हमें क्या करना है, देखिए 1 चेन तो हमारे हुक में है, एक हुक वाली चेन और एक इसके बाद वाली चेन, 2 चेन हम छोड़ेंगे। और 3रे चेन में हमें देखिए ऐसे करके फंसाया, पहले यहाँ से ऐसे फंसाया, ये हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और 3री चेन में हमने इसे ऐसे डालना है और ये निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 3 फंदे हैं, तो हम 3 से ये 2 फंदा करेंगे और 2 से हमें 1 फंदा करना है। ये हमारी यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद हमें सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाया डबल क्रोशिया और सेम चेन में हम 1 बार और बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये हो गया। हमें यहाँ सभी चेन में 2-2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। तो देखिए ऐसे करके बनाते जाएंगे। ये हमने उसी चेन में 1 बनाया आगे वाली चेन में और सेम चेन में हमने 1 और बना लिया। सभी चेन में हमें 2-2 बनाते जाना है। ये देखिए, ये 1 हुआ और सेम चेन में हमें 1 और बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ये 1 रो पूरे कर लिया है। हमने सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 और 2 चेन बनानी है। और देखिए यहाँ पे पहली चेन में हमें ऐसे फंसाना है और ये हमने चेन के अंदर डाला, निकाला। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो 3 फंदे को हम 1 ही बार में ऐसे उतार लेंगे। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। हमने पहली चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी चेन में 1 बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में भी हमने 1 बार बनाया और चौथे में हम 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमने 1 बार बनाया और सेम चेन में हमने ये 1 बार और बना लिया। ये देखिए, अब फिर हमें अगली 3 चेन में 1-1 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमने 1 बनाया अगली चेन में, ये 2 हुआ दूसरी में और ये 3 हुआ तीसरी में। अब चौथी में हम 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, ये 1 हुआ और सेम चेन में हमने 1 और बना लिया। मतलब हमें यहाँ 3 चेन में 1-1 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार। तो ऐसे करके हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। हमने यहाँ पे 2री रो पूरी कर ली। अब देखिए हमें 3री रो में क्या करना है। 3री रो में हमें पहले हमने 1 चेन बनाई, अब सेम चेन में हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार। हमने यहाँ देखिए 2 चेन में सिंगल क्रोशिया 1 बार बनाई और 3री चेन में हम 2 बार बना लेंगे। ये हमने 2 बार बनाया
फिर नेक्स्ट चेन में हमें एक बनाना है, नेक्स्ट चेन में फिर हमने एक बनाया, और जो हमारी तीसरी चेन आ गई है इसमें हम दो बार बनाएंगे, ये हमने दो बार बना लिया। मतलब हमें दो चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और तीसरी चेन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे थर्ड रो भी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे करके डबल कर देंगे। ये हमने डबल कर दिया, अब हमें इसके ऊपर मार्क लगाना है। तो हम यहाँ से, ये देखिए ये हमारा हाफ इंच है, हाफ इंच से ये देखिए हम इतना लगाएंगे, 0.75 इंच का मार्क लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे 0.75 इंच का मार्क लगाया और यहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्क लगाना है। ये जो साइड है यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने 0.75 इंच का लगाया, यहाँ हाफ इंच का लगाया। अगर हम इसे ऐसे खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में हमने 0.75 इंच का लगाया था, तो यहाँ पे भी हम 0.75 इंच का लगा देंगे। और जो हमने हाफ इंच का लगाया था इसे हमें, ये देखिए ऐसे एक इंच में कर लेना है। ये हमने एक इंच में कर लिया। अब मैं दिखाऊँ आपको, ये है हमारा 0.75 इंच और ये है हमारा एक इंच और ये है हाफ इंच। तो ये जो हमारा मार्क है ये हमारा बैक का पार्ट है, इतना ये हमारा बैक का पल्ला है, और ये बीच वाला जो है ये हमारा फ्रंट का पल्ला है, और ये हमारी स्लीव है। तो चलिए अब हम बुनाई स्टार्ट करते हैं, ये वाला मार्क हमारा। तो अब देखिए हमें इसे कैसे बुनना है। सबसे पहले तो हमने ये एक और दो चेन बनाई और यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ये हमने देखिए ऐसे करके हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जीरो साइज के लिए इसलिए हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी पड़ी है, नहीं तो हम डबल क्रोशिया भी बना सकते थे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे मार्क तक बना लिया है। अब हम ये स्लीव वाला हिस्सा छोड़ देंगे और यहाँ फ्रंट पल्ले पे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए ऐसे करना है और डायरेक्ट हम यहाँ आ गए। यहाँ पे भी हमें ऐसे करके इसे तीनों फंदे को उतार लेना है। ये हो गया। अब फिर हमें यहाँ सभी चेन में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने अपने मार्क तक बना लिया है। अब फिर हम यहाँ से ये स्लीव वाला हिस्सा छोड़ देंगे और अपने फ्रंट पल्ले पे आ जाएंगे, सॉरी बैक पल्ले पे आ जाएंगे। ये हमने ऐसे करके बनाया, सभी चेन में हमें एक एक बार बनाना है। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हमें ये दो, देखिए दो स्लीव मिल गई। ये देखिए ये हमारी दो स्लीव हो गई और ये हमारा पल्ला हो गया। हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से देखिए एक और दो चेन बनानी है और यहाँ हमने सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट से लेके हमें बैक तक बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे करके हम बनाते जाएंगे, बहुत इजी होता है गाइस, बहुत ही इजी। सभी चेन में एक एक बार बनाते जाना है।
ये देखिए हमने यहाँ सभी चेन में एक एक बार बना लिया हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये है हमारी, ऐसे करके ये तैयार होता जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये स्लीव आ जाएगी और यहाँ से ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सभी चेन में, जहाँ पे हमने बनाया है सेम चीज़ हमें रिपीट कर देनी है। देखिए यहाँ से लेके पूरा हमें यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया एक रो और बना लेता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस ये हमारा यहाँ पे इतना बन गया है, ये चोली है, ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और ये जो खुला रहेगा ये हम पीछे डालेंगे। ऐसे करके पहनाना बहुत ईजी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम चिट चैट बटन लगा लेंगे जिसकी हेल्प से हम इसे ऐसे बंद कर सकें। बट अभी हमें यहाँ पे ब्लैक कलर से आउटलाइन देनी है, तो चलिए हम दे लेते हैं। सिंपल हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से ये ऊन लिया, नॉट लगा लेनी है। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे नॉट लगा ली। अब हमें यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बनानी है, सभी चेन में एक एक बार बनाते जाएंगे। ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी आउटलाइन आ जाएगी। ये देखिए ऐसे करके, और ये सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ, ये पूरा यहाँ से ये पूरा नेक पे आते हुए यहीं तक हमको लेके आना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे आउटलाइन कर ली है। ये देखिए एक स्लीप पे भी कर दिया, दूसरी स्लीप पे अभी नहीं की है तो वो मैं आपके सामने करूँगी। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे करके बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमें चिट चैट बटन लगा लेनी है दो, जिसकी हेल्प से हम इसे बंद कर सकें। वैसे आप एक ही लगाएं, जीरो साइज़ के कान्हा जी के हैं तो यहाँ पे हमें एक ही ऐसे करके लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये हो गया, और ये इतनी बड़ी स्लीव जीरो साइज़ के लिए सही है गाइस। अगर आप थोड़ा सा बड़ा और चाहते हैं तो अभी हम जब ये करेंगे, चलिए मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्रंट है, हमें बैक के साइड से शुरू करना है। ये हमारी बैक साइड है और ये देखिए ये होल हमारा यही स्लीव है। तो हमें यहाँ पे ऐसे करके स्टार्ट करना है। मैं एक बार बताऊँ, ये देखिए ये जो आपको पूरा सर्कल दिख रहा है यहाँ से, इसी पे हमें यहाँ 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 ये सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे धागे को लगा के नॉट लगा लिया है। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक बनाया, फिर अगली चेन में हम एक बनाएंगे। हमें पूरे राउंड पे बनाते जाना है एक एक बार। ये देखिए बस हमें ध्यान देना है कि हम बहुत टाइट टाइट नहीं बनाएंगे, हल्के हाथों हम बनाएंगे। अगर हम बहुत टाइट बुन देंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा और इसका साइज जो है वही हमें रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है, इसलिए हम हल्के हाथों से इसे बुनेंगे। ये देखिए बहुत इजी है गाइस। ये देखिए हमने पूरे सर्कल पे बना दिया। अब यहाँ पे हम इसे लास्ट में स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे निकाला और इसे जोड़ दिया, नॉट लगा के कट कर देंगे। अगर आपको लंबी स्लीव चाहिए तो यहीं इसके ऊपर एक राउंड और आप बना लें, दो राउंड बना लें सिंगल क्रोशिया की ही। ये हमारी स्लीव यहीं से बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल हो गया है। यहाँ से धागे को हमें अंदर करना है। ये देखिए गाइस ये हमने चोली बना ली है।
हमने यहाँ पीछे से देखिए एक चिटचैट बटन भी लगा लिया है जिसकी हेल्प से हम इसे इजीली ऐसे बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे जीरो साइज के कान्हा जी की चोली बनके रेडी हो गई है। मैं एक बार मेज़र करके दिखा दूँ कि ये हमने कितने इंच लंबी बनाई है। ये जीरो साइज के कान्हा जी के लिए इजीली हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी 1.75 इंच लंबी है, 2 इंच भी नहीं है, तो ये आपके कान्हा जी को ईजिली आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।